अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ नई रेसिपी के साथ आ चुकी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चपली कबाब की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ यूँ हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है और उसको जो है मैंने बारीक मशीन से पिसवा लिया है। देख लें आप इस तरह से, आप लोगों को भी चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लिया है। नमक मैंने अपने साइके के हिसाब से लिया है, वैसे मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने गर्म मसाला 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून अनारदाना, 2 प्याज मैंने ली थी उसको बारीक चॉप कर लिया है, 2 ही हरी मिर्चें ली थी इनको भी मैंने चॉप कर लिया। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बेसन यूज़ किया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चाइनीज़ नमक यूज़ किया है। तो चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले गोश्त ऐड कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ बेसन, टमाटर और चाइनीज़ नमक। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने पहले सबसे पहले ऐड कर ली हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ सारे स्पाइस अपने जो मैंने आप लोगों को बताए थे। तकरीबन सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा मिक्स जो है वो हमें बहुत अच्छे से करना है ताकि नमक और सारे स्पाइस जो है वो हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए हर जगह। तो यहाँ पर डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। तो अब हम दे देंगे चपली कबाब की शेप। अच्छा यहाँ पे आपकी मर्ज़ी कि आपने छोटा बड़ा मोटा पतला जैसा भी रखना है। मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज़ और इस तरह से तैयार कर लूँगी अपने सारे शेप। तो इस तरह से मैंने चपली कबाब रेडी कर लिए हैं सारे। तो अब मैं इसको जो है वो फ्राई करने लगी हूँ। यहाँ पे आप इसको स्टॉक भी कर सकते हैं, फ्रिज में फ्रीज भी कर सकते हैं। बाकी अब मैं यहाँ पे फ्राई करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे फ्राई करने लगी हूँ। दोनों साइड से हम अच्छा सा गोल्डन कलर ले आएंगे और अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे सारे, हम इसी तरह से कर लेंगे। तो जब तक कि मैं फ्राई करके डिश आउट करने लगी हूँ, तो आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये है हमारा चपली कबाब का फाइनल लुक, कितना डिलीशियस लग रहा है माशाल्लाह से। और आपने भी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करते हुए, हर एक चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका भी इंशाल्लाह रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।